क्लास यू में आस्क सो द फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन के मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर जो पहला फंक्शन है दैट इज एब्सोल्यूट फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन हाउ इट वर्क्स लेट अस चेक इजंट दैट देयर आर सम नंबर्स ऐसा कोई चलो डेटाबेस है आपके पास वहां पे कुछ नंबर नेगेटिव है तो ये तो छोटा वाला भी डेटाबेस है बट इजंट दैट यू हैव द लार्ज डेटाबेस आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसके अंदर हजारों नंबर्स लिखे हुए बट फ्यू ऑफ देम आर नेगेटिव ओके आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें से कुछ नेगेटिव है आपकी खुद की ऑफिस है या चलो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो आपको आपके बॉस ने बोल दिया कि यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर है सबको पॉजिटिव कर डालो आप एज्यूम दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स आप एक एक करके चेक करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा एज वेल एज गलती होने के भी चांसेस होते हैं गलती होने के मतलब कोई छूट भी सकता है तो हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में So we can use a function absolute ABS absolute function absolute of this then enter again अब इसको drag कर लो 70 आता है तब तक फिर पूरा select है इसको right side drag कर लो ये हो गए हमारे numbers वापस positive copy them now copy them copy and paste करने के लिए right click करना है paste paste कर यहाँ से select रखना है सिर्फ number सिलेक्ट कर लो यस ये सारे के सारे नंबर आपके यहाँ पे पेस्ट हो गए देखो सब पॉजिटिव हो गए सब सो इट टेक्स लेस्ट वेरी लेस्ट टाइम ओके तो बहुत ही इजी हो गया देखो अभी सब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए ओके एब्सोल्यूट फंक्शन कन्वर्ट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव नॉट वाइस वर्सा पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता हो सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करता है सो जनरली बहुत रेयर केस में ऐसा काम करने का ऐसा काम करने की जरूरत पड़ती है ओके तो Next function that is exponential function. Okay, the exponential function returns the values of exponential function ex for the given number of x, where e is approximately equal to 2.71828188. Okay, actually, number होता है exponential number होता है जो आपको अभी पढ़ाई में नहीं आता है आप college में जाओगे तब आएगा ये number. Okay, exponent की value होती है ये 2.71828281 ये उसकी value होती है and कभी आपको किसी भी number का exponent find करने की जरूरत पड़ गई और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है नेट भी बंद है चलो तो उस टाइम पे अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है हमारा ओपन ऑफिस कैलसी देन ऑन दैट टाइम यू कैन यूज दैट फंक्शन लाइक आई हैवंट आई वांट टू फाइंड आउट एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 इट विल गिव मी दैट वैल्यू इट विल गिव मी दैट वैल्यू 2.71828182 दैट इज द वैल्यू बट एज इन दैट यू वांट टू फाइंड आउट एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर लाइक एज इन दैट आई वांट टू फाइंड आउट एक्सपोनेंट ऑफ 5 सॉरी परसेंटेज लिख दिया था मैंने एक्सपोनेंट ऑफ 5 exponent of 5 then this is the exponent of 5 equals to exponent of whatever number you want 10 exponent of 10 so it will provide you the result okay ye abhi aapke syllabus mein nahi hai beech mein bahut college mein aaoge tab aayega tab agar zarur padi aapke paas net nahi hai you can use the calci software another one is factorial which is very easy to understand okay let's see आपको पता है क्या होता है फैक्टोरियल नहीं होता नहीं 10th में अभी तक आया नहीं होगा आपको आई थिंक 11 12 में आएगा व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 5 तो क्या होता है आप बोलना मुझे चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है ये फैक्टोरियल ऑफ 5 का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 टू 1 तो क्या होगा वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 टू 1 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है 5 इंटू 4 20, 20 into 3, 60, 60 into 2, 16 into 2, 120. So this one will be the value now. Factorial of 5. चलो बताओ factorial of 4 क्या होगा चलो ये तो बताओ. What will be the factorial of 4? Again that is the multiplication of 4 into 3 into 2 into 1. What will be the value of factorial of 4? Yes. अरे चुपचाप मत बैठ रहे हो यार बोलो बोला करो 24 यस 4 इनटू 3 12 12 इनटू 2 24 24 इनटू 1 24 ओके सेम वे एज इन दैट आई वांट टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ 6 तो फैक्ट ऑफ सॉरी फैक्ट ऑफ 6 दैट विल बी 720 5 का 120 था 120 इनटू 6 720 So that is factorial of
एनी नंबर, एक्चुअली वो होता है उस नंबर से वन तक का मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि चलो यहाँ पे सिक्स का है तो सिक्स टू वन, लाइक दिस यू कैन वर्क ऑन इट. अगेन नाउ दिस टू नंबर्स, दिस टू फंक्शंस, नेचुरल लॉगरिथम एंड लॉगरिथम बेस 10, पता नहीं आप लोगों को आता है या नहीं लॉगरिथम सिलेबस में, बट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट लॉगरिथम, 11th 12th में होगा साइंस लॉगरिथम, तो नेचुरल लॉगरिथम, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट नेचुरल लॉगरिथम, देन देयर इज अ फंक्शन ln, जिसका बेस होता है e, जो एक्सपोनेंट वाला हमने देखा था. देयर इज अ फंक्शन नेचुरल लॉगरिथम, ये क्या फाइंड करता है, लॉग फाइंड करता है किसी भी नंबर का, बट उसका बेस गिना जाता है e, the logarithm base of e, exponent. So, I think I want to find out natural logarithm. So, the function name is ln. Logarithm, natural. Whatever the number is, I think 1000 number is there. 1000 का logarithm was 6.90. इसके example आएंगे आपको. The logarithm, natural logarithm of 1, that is 0. Like this, you can work on it. Again, मतलब कभी भी आप पढ़ रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, आपको लगा भी चलो नेचुरल लॉगरिथम फाइंड करना है मुझे किसी नंबर का, एंड आई डोंट हैव इंटरनेट राइट नाउ, देन यू कैन यूज कैलसी, ये सॉफ्टवेयर में आओ, यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है. नेक्स्ट वन इज लॉगरिथम बेस 10, ये जनरली बहुत यूज होता है स्कूल कॉलेज में, बेस 10 वाला. तो लॉग 10 इक्वल्स टू लॉग 10, दिस इज द फंक्शन नेम, ओपन द फंक्शन, 10 का फाइंड करना है चलो मुझे, तो दैट विल बी 1, ओके, लॉग 10 इक्वल्स टू लॉग 10, आई वांट टू फाइंड आउट लॉगरिथम ऑफ 100, इट विल बी 2, ओके, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट लॉगरिथम यू कैन यूज एलसी, नेचुरल लॉगरिथम भी फाइंड हो सकता है और बेस 10 वाला लॉगरिथम भी फाइंड हो सकता है. द लॉग 10 फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम बेस 10 फॉर द गिवन पॉजिटिव नंबर. The general form is log 10 and then you have to write the number where the number is a positive number.